हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीषा बिस व्लॉग्स। ये है इसके साथ ये लड़के जैसे दिखने वाली लड़की हूँ मैं, मनीषा। अब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती, लेकिन रिश्ते में मैं इसकी बुआ लगती हूँ। और इस पूरी वीडियो में बुआ से सबसे छोटी बुआ सास बनने तक का सफ़र है, और यह है इसकी ब्राइड। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट वन। ये है मेरे प्यारे भैया भाभी, मेरे ताऊ जी के बेटे, यानी कि ग्रूम के मदर एंड फादर। ये है ग्रूम की एवर स्माइलिंग चाची जी और मोस्ट टैलेंटेड चाचा जी, द ब्यूटीफुल सिस्टर्स एंड द हैंडसम ब्रदर्स। ये है दूल्हे की क्यूट बुआ, जिनमें मैं भी हूँ और छोटे और शायराना फूफा जी, दूल्हे की दादी यानी मेरी ताई जी, और दूल्हे की प्यारी प्यारी मासियाँ एंड नानी। ये है मेरे मम्मी पापा एंड मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी भाभियाँ और दूल्हे की चाचियाँ, और ये है हमारी फुल धमाल गैंग। तो हमारी अगली सुबह हुई स्वर्णिम की एक्सरसाइज की एक्टिंग से। नाउ लुक एट दीज प्लांट्स। मैं छोटे भैया को मोस्ट टैलेंटेड इसीलिए बोल रही थी क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ का यूज़ इतने अच्छे से किया हुआ है। फुटबॉल की कटिंग करके प्लांटर्स बनाए हुए हैं, स्पेशल डिमांड में पराठे बनवाते हुए हमारे हलवाई। ये हलवाई बड़ी दूर से आया, दिखाना। अब तो जयपुर का हो गया, पहले चंडीगढ़ का था, अब जयपुर का हो गया। ब्यूटीफुल सास असली वाली तो यही है ना, बाकी तो हम पीछे से लगे हुए हैं। बेचारी मुझे जवानी में सास बना दिया अच्छा नहीं रहना चाहिए पराठे झेलती हुई शुभि बेचारी बेटी शिकायत करते हुए कि माँ ने वेट कम कर दिया है। चमकता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग बाय बाय
करना ही है ना। ये देखो यूट्यूबर आ गया ये ये भी उतार ले अपने काम में। आपने डिजाइन चूज किया अपने आप लगा रहे हैं। कैसी है फिर सालिया वाली सालिया कैसी है? क्या बात कर रही है तू लगता है मैं दीदी का नंबर पड़ जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बैठो। उठ गया अभी उठना था। वीडियो बना रहा हूँ। देख लो यार मैं भी क्लोजअप लूंगी अभी। ये देख लो एक एक सी ब्यूटी मिलेगी भाई। अरे वाह 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 ओह अपनी बेलूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदार। और अब मैं हूँ मवानी और नजदीक आ जाए मेरी शादी। नहीं कल से हमारी खिंचाई की जा रही कि जीजा तू काला में गोरी। अरे किस जीजा से पंगा लिया कि रिया हो गई। रिया हो गई बाइज्जत वो मेरे कत्ल के इल्जाम से।
रिया हो गई बाइस को मेरे कत्ल के इल्जाम से अदालत ने उसकी शोख नजरों को हथियार नहीं माना। हम नहीं ये शान में है। और दूसरा वो तो एक खाली गिलास था पानी का, वो गिलास था सिर्फ एक पानी का, लबों से क्या लगाया शराब हो गया। मेरे अपनों ने देखा शोक नजर से मुझे रजी मूड खराब हो गया। अभी मूड खराब हो गया और उनके चेहरे की मुस्कान तो देखिए, मेरा चेहरा शबाब हो गया। महफिल में जो जहां था आफ्ताब हो गया, आफ्ताब हो गया। अब दो चार हफ्ते तक खाना नहीं मिलने वाला मुझे। अद्धी पीकर लुढ़क जाता हूं मैं अगले जन्म में, मुझे खंबे का कोटा चाहिए। के लिए जाता हूं तो गिर जाता हूं मैं, है मैं कदे के पीछे, जस्ट पीछे एक ढाबा चाहिए। कहाँ है हमारी साली? इरशाद इरशाद, लगाओ जो लगाओ, आपको तो निकल गया, आपको तो निकल गया। शाली के सम्मान पे, और इसके बाद मैं खाने जा रहा हूँ, अपना ही समा अपनाने जा रहा हूँ।
कि झूम के जब रिंदों ने पिला दी, झूम के जब रिंदों ने पिला दी, जान रहे रिंद कौन होते हैं, लफा जिन्होंने मुझे पिला दी है, उसमें ये भी थे वहां खड़े हुए कि झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने तब चुपके से दुआ दी, एक कमी थी ताजमहल में, हमने तेरी तस्वीर लगा दी। अब साल भर का काम हो गया मेरा। बड़े भाई को अर्ज है, भाई को अर्ज है, बड़े पापा, अरे मेरे तो पापा ही बहुत बड़े हैं। सोलहों एहसास की मानिंद तामिंदा रहे, सोलहों एहसास की मानिंद तामिंदा रहे, और लाख जमाने ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे। सोलहों एहसास की मानिंद तामिंदा रहे, और लाख जमाने ने मिटाया फिर भी हम जिंदा रहे, और भीख भी मांगी तो इतने शाने गैरत के साथ कि देने वाला खुद जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। पहले सुनाया था, कोई सुन नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था आज अपने गुबार उतार पाऊंगा। और एक बड़ा शेर सुनाता हूँ कि दुश्मनों का भी स्वागत किया हमने इस गर्म जोशी से, मेरा लिखा हुआ है नेगी बेपरवाह, दुश्मनों का भी स्वागत किया हमने इस गर्म जोशी से कि समुंदर भी थर्रा उठा हमारी खामोशी से। चार दिन बाकी है, चार दिन जय जय।